पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। हैरानकुन तब्दीलियां। न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कामरान गुलाम और फास्ट बॉलर हसन अली को शामिल किया है। दो टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर से नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कामरान गुलाम को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले साबिक कौमी कप्तान अजहर अली की जगह शामिल किया गया है, जबकि हसन अली ने मोहम्मद अली की जगह ली है, जिन्हें फहीम अशरफ की तरह कराची में जारी पाकिस्तान कप में शिरकत का मशवरा दिया गया है। इंजरी का शिकार हारिस रऊफ को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। वो रावलपिंडी टेस्ट में फील्डिंग के दौरान लगने वाली इंजरी से सेहतयाब हो रहे हैं। ताहम कंधे की तकलीफ की वजह से मुल्तान और कराची टेस्ट से बाहर होने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह को फिट करार देकर पाकिस्तान स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। बाबर आजम कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, नोमान अली, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद पर मुश्तमिल है। एक न्यूजीलैंड टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए अंपायर्स का भी ऐलान किया गया है। पहले टेस्ट में एलेक्स वाफ और अलिंदार, अनफील्ड, एहसन रजा थर्ड एम्पायर, आसिफ यकूब फोर्थ एम्पायर और मोहम्मद जावेद मलिक मैच रेफरी जिम्मेदारी अदा करेंगे, जबकि 3-7 जनवरी खेले जाने वाले दूसरे मुल्तान टेस्ट में एलेक्स वाफ और अलिंदार, अनफील्ड, एहसन रजा थर्ड एम्पायर, राशिद रियाज फोर्थ एम्पायर, डेविड बोन मैच रेफरी फराइज अंजाम देंगे। कराची में 10 जनवरी को खेले जाने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल में अलिंदार और आसिफ यकूब अनफील्ड, एहसन रजा थर्ड एम्पायर, फैसल आफीदी फोर्थ एम्पायर, डेविड बोन मैच रेफरी, जबकि 12 जनवरी को दूसरे वनडे में अलिंदार और राशिद रियाज अनफील्ड, आसिफ यकूब थर्ड एम्पायर, फैसल आफीदी फोर्थ एम्पायर, डेविड बोन मैच रेफरी। इसी तरह 14 जनवरी को तीसरे वनडे में अलिंदार और एहसन रजा अनफील्ड, राशिद रियाज थर्ड एम्पायर, फैसल आफीदी फोर्थ एम्पायर, डेविड बोन मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे।